हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फल सब्जियों के परिरक्षण के बारे में। फल सब्जियों के परिरक्षण विधियों के बारे में, परिरक्षण विधियों बारे में, ठीक है। जो आज का लेक्चर होगा फल सब्जियों के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन यानी प्रिजर्वेटिव जो मेथड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से मेथड है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके दो विधियां हैं, कितनी विधियां हैं इसकी, दो विधियां कौन कौन सी हैं। एक है अस्थाई मेथड, अस्थाई विधि, दूसरा है अस्थाई विधि। दूसरी कौन सी है, अस्थाई विधि। अच्छा, अस्थाई विधि और अस्थाई विधि को अस्थाई कहने मतलब कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ समय या कुछ दिनों के लिए। अस्थाई विधि कुछ ज़्यादा समय के लिए यानी लॉन्ग टाइम के लिए, ये कह लें कि साल भर या 6 महीने के लिए जिस मेथड के द्वारा फल सब्जियों को प्रिजर्व करके रखा जाता है वो कौन सा मेथड होता है, अस्थाई मेथड होता है। और जिसमें कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए यानी कि 1-2 सप्ताह के लिए या कुछ घंटों के लिए उसको संरक्षित करके परिरक्षित करके रखा जाता है वो अस्थाई विधि है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा मेथड है, तो पहला हो गया जैसे स्वच्छता, फल सब्जियों को धोकर यानी स्वच्छ साफ सुथरा करके जैसे कि उसको धूप देते हैं तो उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं वो धुल जाते हैं, तो उससे जो है कुछ दिनों के लिए उसको आप संरक्षित करके रख सकते हैं। फिर दूसरा बिंदु निम्न तापक्रम, निम्न तापक्रम का मतलब जैसे कुछ सब्जियाँ हैं 10-12 सेल्सियस तापमान पर रख कर जो है उनको कुछ समय के लिए परिरक्षित किया जा सकता है। फिर उसके बाद उच्च तापक्रम के अंतर्गत क्या होता है, जैसे उच्च तापक्रम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दो मेथड आते हैं। एक आता है आपका पाश्चुरीकरण होता है, और दूसरा होता है आपका ब्लांचिंग, ठीक है। ये दो मेथड होते हैं उच्च तापक्रम के अंतर्गत, दो मेथड होते हैं। पाश्चुरीकरण में क्या करते हैं, इसमें जो है 100 सेल्सियस तापमान पर फल सब्जियों को जो है गर्म किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर, इसमें 100 सेल्सियस तापमान पर, 100 सेल्सियस। तो इसमें होता क्या, जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसके द्वारा कुछ समय के लिए उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर दूसरी चीज ब्लांचिंग में क्या करते हैं, ब्लांचिंग में भी यही क्रिया होती है, इसमें जो टेम्परेचर होता है 80-82 सेल्सियस होता है। तो ये दोनों, ये जो है पाश्चुरीकरण और ब्लांचिंग, ये दोनों जो है आपके अस्थायी विधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है संपूर्णता जो है पूर्ण रूप से जो है जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है, इसमें जितने भी हानिकारक जीव होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये अस्थायी मेथड के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। इनसे जैसे कि संरक्षित किया गया है उच्च तापक्रम के द्वारा, पाश्चुरीकरण के द्वारा और ब्लांचिंग के द्वारा, तो ये कुछ समय के लिए ही होता है, कुछ समय तक इनको जो है इस मेथड से, इस विधि से जो है फल सब्जियों को सुरक्षित करके रखा जा सकता है, ठीक। फिर उसके बाद अगला कौन सा मेथड है, जैसे कि अगला हो गया कुकिंग, जैसे कोई भी चीज है कुकिंग पकाते हैं, पकाकर उसको कितने समय, घंटे 2-4 घंटे यानी जैसे भी टेम्परेचर, कहने का मतलब जो भी फल सब्जी होगी उनका एक कहने मतलब कुछ घंटों के लिए या कुछ समय के लिए ही उनको कुकिंग के द्वारा पकाकर जो है उनको संरक्षित किया जा सकता है। फिर उसके बाद रोस्टिंग होता है रोस्टिंग जैसे फल सब्जियों को जो है सीधे आग में भूनना, रोस्टिंग मतलब भूनना होता है, फल सब्जियों को सीधे आग में भूनना यानी भून कर जो है काकर कुछ समय के लिए जो है उनको संरक्षित किया जा सकता है। तो आपके अस्थायी विधि के अंतर्गत कौन सा हो गया, स्वच्छता हो गया, निम्न तापक्रम हो गया, उच्च तापक्रम के अंतर्गत हो गया आपका पाश्चुरीकरण और हो गया ब्लांचिंग। फिर उसके बाद बात करते हैं कुकिंग, ये भी आपका अस्थायी मेथड है, अस्थायी टेम्परेरी जिसे बोलेंगे, एक है रोस्टिंग, तो ये आपके अस्थायी मेथड थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, अस्थायी मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। अस्थायी मेथड कौन कौन से हैं, तो अस्थाई मेथड के अंतर्गत अब हम देखेंगे कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहले तो उच्च तापक्रम, उच्च
ताप क्रम उच्च तापक्रम के अंतर्गत आता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन निजर्मीकरण, क्या होता है स्टरलाइजेशन निजर्मीकरण, स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है इसमें, जैसे कि स्टरलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है 100 अंश सेल्सियस से अधिक होता है, इसमें क्या करते हैं जीवाणु को, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको संपूर्णतया नष्ट कर देते हैं, जो लाभदायक है और हानिकारक है दोनों को जो है संपूर्ण रूप से काटकर नष्ट कर दिया जाता है। इससे जो है लॉन्ग टाइम तक जो है इसके द्वारा जो है स्टरलाइजेशन के द्वारा आप अपने उत्पाद को यानी फल सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा दूसरा है आपका निम्न तापक्रम, कौन सा है, निम्न ताप क्रम। अच्छा, निम्न तापक्रम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कोल्ड स्टोर हो गया, क्या हो गया कोल्ड स्टोरेज हो गया। कोल्ड स्टोरेज जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा अगर प्रचलन है तो किसका है, कोल्ड स्टोरेज का है, शीतगृह। निम्न क्या कहते हैं, शीतगृह। क्या क्या होते हैं शीतगृह में, हम जैसे आलू वगैरह ले जाते हैं रख देते हैं, फिर अगले सीजन तक वो प्रजर्व रहता है, वहां पर संरक्षित रहता है, कारण ये जो है निम्न तापक्रम के अंतर्गत आते हैं। फिर जैसे दूसरा हो गया सीए स्टोरेज। सीए स्टोरेज मतलब सीए कंट्रोल एटमॉस्फियर, सीए कंट्रोल एटमॉस्फियर यानी वातावरण को नियंत्रित करके जो है फल सब्जियों को भंडारित किया जाता है। जहां पर फल सब्जियों को भंडारित कर ओ सॉरी भंडारित किया जाता है, वहां का जो वातावरण होता है उसको एक नियंत्रित वातावरण वहां पर बनाया जाता है, उतना एटमॉस्फियर क्रिएट किया जाता है नियंत्रित, यानी सीए मतलब कंट्रोल एटमोस्फियर स्टोरेज। फिर उसके बाद ईएमए स्टोरेज। ईएमए स्टोरेज, ईएमए स्टोरेज में क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फियर स्टोरेज। इसमें क्या करते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फियर स्टोरेज में, इसमें जो है NO2 ओ सॉरी N2 O2 और CO2 इन गैसों का प्रयोग किया जाता है। ये जो मॉडिफाइड स्टोरेज मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज है, इसमें N2 O2 और CO2 गैसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका निम्न तापक्रम हो गया, आपका अस्थायी है। फिर उसके बाद किसका यानी कौन सी विधि है, जैसे कि अग्रिम निष्ठ है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन ये भी आपका जो है स्थायी मेथड के अंतर्गत आता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में किसी भी उत्पाद को संरक्षित करना है तो -40 अंश डिग्री पर परिरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, -40 अंश डिग्री -40 अंश सेल्सियस तापमान पर परिरक्षित किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कौन सा मेथड है, अगला आपका मेथड है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये क्या है, एक रसायन है, परिरक्षित रसायन है, जिसकी मात्रा क्या प्रयोग की जाती है, 0.5 kg सॉरी 0.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, यानी 1 किलोग्राम अगर उत्पाद हो तो उसको परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट की मात्रा कितनी ली जाएगी, 0.5 ग्राम ली जाएगी, ठीक है। और ये सोडियम बेंजोएट हो गया जो स्थायी विधि के अंतर्गत आता है, और एक होता है पोटेशियम, पोटेशियम मेटा बाई सल्फाइड, ये दोनों जो है स्थायी विधि के अंतर्गत आते हैं। तो आपके एक उच्च तापक्रम के अंतर्गत स्टरलाइजेशन आ गया, निम्न तापक्रम के अंतर्गत जो परमानेंट मेथड है कोल्ड स्टोरेज हो गया, सीए स्टोरेज हो गया, ईएमए स्टोरेज हो गया। फिर उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, जिसमें कि -40 अंश सेल्सियस पर उत्पाद को संरक्षित करते हैं। फिर उसके बाद सोडियम बेंजोएट हो गया, फिर उसके बाद पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सोडियम बेंजोएट जितना भी रंगीन पदार्थ होगा उसमें प्रयोग किया जाता है परिरक्षण के रूप में, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जितना भी कहने मतलब कलरलेस होगा रंगहीन उत्पाद होगा उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपकी थी फल सब्जियों के परिरक्षण की विधियां। इससे एक क्वेश्चन से हो रहा है, कोई ना कोई मेथड पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लिया गया कि
फल सब्जियों को परिलक्षित करने का स्थायी तरीका कौन सा है, उसमें चार ऑप्शन दे दिए गए, या ये पूछा जा सकता है कि अस्थायी तरीका कौन सा है, उसमें चार ऑप्शन दे दिए गए। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा।